हेलो दोस्तों, वेलकम टू रायन बसेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अपडेट ऐसे शेयर करूंगा जो कि साथ साथ में वीडियो भी आपको यहां पर मैं शेयर करता रहूंगा। तो वीडियो के साथ साथ में मैं आपको प्रूफ के तौर पर यहां पर दिखाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है कि किस तरीके से हमने आपको थंबनेल पर बताया है, वो चीज पूरी प्रोसेस आपको यहां पर मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज दिखाने वाला हूं मैं, आप खुद यहाँ पर अचंभों में रह जाओगे। खासतौर से जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप अभी तक आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट आपको बेसिक तौर पर यहाँ पर मिलते रहेंगे। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होंगे और हमें और भी और हौसला मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले भैया, एक वीडियो आप यहाँ पर देखते रहिएगा भाई साहब। जो लोग भी सऊदी अरब में कहीं भी ड्राइवरी करते हैं उन लोगों के लिए खास तौर से मैसेज भी है कि यहाँ पर अगर आप कहीं भी गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्किंग में पार्क करें, अथवा कहीं भी गाड़ी को किसी पार्किंग नहीं मिलती है तो कहीं गली में या मस्जिद पर जाकर के गाड़ी को खड़ी कर दें। क्योंकि यहाँ पर आप वीडियो जिस तरीके से देख ही रहे हैं, यहाँ पर रॉन्ग साइड में एक आदमी आकर के 11 लोगों को टक्कर मारी और उसमें काफी सारी गाड़ियां खराब भी हुई हैं और लोग भी गाड़ी के ऊपर किस तरीके से उपद्रव कर चुके हैं आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भैया जितने भी ड्राइवर भाई हैं हमारे हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों को कहीं भी अगर खड़ी करें तो सेफ जगह खड़ी करें। नहीं, यहाँ से आपको दो टेंशन है। एक तो पुलिस वाला अगर आएगा तो वो पीछे से आपको मुखालफा ने जुर्माना भी मार देगा, दूसरी तरफ में ऐसे कुछ पागल घूमते हैं जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में लड़ी गई कुछ भी होगा और आप पार्किंग के बाहर खड़े तो कपिल आपके ऊपर ही सारी जहमत देने वाला है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे में फिर सारा कहानी खराब हो जाएगा, यहां से लेकर घर तक लोग परेशान हो जाएंगे। अब दूसरी अपडेट जो यहाँ पर दोस्तों आप आ रही है, आप यहाँ पर वीडियो देख ही सकते हैं किस तरीके से मेन रोड पर, ये भी रियाद का ही कहानी है, मेन रोड पर चलती हुई गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी है। तो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, गाड़ी को स्लो कंट्रोल में चलाएं ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो। भैया यहाँ पर आप हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जितने भी हैं, सब आपको अपने देश में इंतजार कर रहे हैं, आपके घर पे इंतजार कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे ड्राइवर भाई हैं, थोड़ा गाड़ी को धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, ज्यादा सेफ रहेंगे। हालांकि इसमें भी जो आदमी था जो ड्राइविंग कर रहा था, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, चोटें आई हैं खाली, लेकिन ऐसे हालात में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक, तो ऐसे में भैया थोड़ा चकित रहिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत देखने को मिलती है, खास तौर से हुई जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को स्लो चलाएं जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ताकि आप लोग सेफ रह सको, आपके परिवार में, आपके घर में, सबको किसी न किसी को सबका इंतजार वहां पर बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो कि यहाँ पर सऊदी अरब में कुछ भीख मांगने वालों के लोगों के ऊपर में बनाया गया वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैटर है। यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा है कि अगर आप सोच रहे हो कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम भीख मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अलग तरीके से जो भी कर रहे हैं, तो ये मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपने आप में जिम्मेदार है। ठीक है, अपने आप में हर चीज देश के हित में ही कर रहा है बंदा। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा है। जैसा कि आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए थोड़ा सा। ये आदमी जिस तरीके से जा रहा है, देखिए ये भी भीख मांग के इधर इस तरफ से निकला हुआ है और देखिए उस साइड में जा रहा है। अभी यहाँ पर जैसे ही आदमी पहुंचता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए कितना रुपया इस बंदे ने भीख मांगा है। ये रमजान का, देखो ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। देखिए कहीं भी ये भीख मांग रहा है, देखो ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग भीख मांगने का अलग अलग तरीके बना रखे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है और उनको सीधा उठा के पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है सीधा। और फिर ऐसे में आप हमेशा के लिए बैन हो जाओगे, हो सकता है आपके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भैया ऐसा काम मत कीजिए। कोई अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप यहाँ की सरकार से या अपने जो अपने यहाँ के लोग हैं उनसे हेल्प लीजिए और उसके बाद में आप अपने देश जाइए। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि लोग परेशान रहते हैं यार, कि यहाँ पर काफी से परेशान हो गया, काम नहीं मिला, या आजाद वीजा पर हो जाते हैं, काम नहीं मिलता, लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे में भैया हालात ही करवाते हैं, मुझे पता है, मैं मानता हूँ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इसको अपना बिजनेस बना के रखे हैं, नहीं तो यहाँ पर हालात ही इस चीज को करवाते हैं। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं किस तरीके से लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पर एक औरत को भी अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को भी, देखिए मस्जिद में, यहाँ पर देखिए किसी को बख्शा नहीं जाता है। मतलब भीख मांगना सऊदी अरब में कानूनन जुर्म है। ठीक है, अगर कोई आपको परेशानी है तो आप देश के हित के लिए यहाँ पर जाकर के यहाँ के जनता से या यहाँ के पुलिस से, यहाँ पर जो भी ऑफिस वगैरह है वहां से आप संपर्क करें और आपको उसका हेल्प मिलेगा और इस तरीके से अपने देश जा सकते हैं। अभी बात यही खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी एक चीज आपको शेयर करता हूँ।
यहाँ पर एक औरत थी जो कि एशियाई, अब यहाँ पर देख फोटो देखिएगा, मक्का में सुरक्षा अधिकारियों ने भीख मांगने वाली एक एशियाई महिला को गिरफ्तार किया है। कई विदेशी मुद्राओं और सोने के गहनों के अलावा महिला लगभग 1,17,000 रुपए भी एकत्र कर चुकी थी। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने 22 से 30 मार्च तक के यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 3,719 लोगों को ऐसे मामलों में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में तो लगता है भाई भीख मांगना ही सऊदी में सबसे बढ़िया काम है। भीख मांगो 1,17,000 मतलब मामूली बात नहीं हो गए। रमजान के महीने में लोग अरबपति नहीं खरबपति होना चाहते हैं, है ये तो इसलिए देते हैं कि चलो यार कोई मिस्कीन आदमी, कोई गरीब आदमी है, 2-4-10 रियाल दे दो। लेकिन यहाँ लोग ऐसे ऐसे करके अपना पूरा बिजनेस खोल के रखे हैं। ऐसे में भैया देख लो कैसे हो रहा है, भीख मांगो और लखपति बनो सऊदी में, है आपने टाइटल देखा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि गलत है ये चीज, ठीक है हराम भी है क्योंकि मेहनत करना ही सबसे वाजिब है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे में आग्रह किया गया है कि अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है तो आप 911-999 पर संपर्क करें और उन्हें बताएं कि हाँ यह बंदा यहाँ पर भीख मांग रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आप ये ना सोचें कि हम नजर में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखा दिया, आज नजर में नहीं है, नजर में आप हैं, कहीं ना कहीं आप नजर में हैं। ठीक है, जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है, तो ये सारी गलतियां ना करें, कोई परेशानी है तो यहाँ की हुकूमत से आप मदद मांगे, अपने देश की हुकूमत से, अपने गांव घर के लोगों से मदद मांगे ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर ऐसे करने वालों को या फिर या ऐसे लोगों का कोई सहारा भी अगर देता है तो उसके ऊपर में दोस्तों जो ऐसा करता है उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने वालों को 6 महीने से अधिक की जेल और 50,000 रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, जुर्माना हो भी सकता नहीं, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जेल भी होगा और जो और क्या नाम है आपके ऊपर जुर्माना भी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको एक अच्छी बात बता दें कि अगर आप कहीं भी अगर आप ऐसे लोगों का मदद भी करते हैं तो आपके लिए 1,00,000 रियाल का जुर्माना है। ठीक है, उसके साथ साथ में 1 साल की जेल भी है। इनमें से दोनों में से एक हो सकता है या कहो तो आप दोनों भी हो सकता है। तो भैया ऐसे चीजों से बचें और लखपति करोड़पति अरबपति बनने का सपना ज्यादा ना देखें, जितना नसीब में है वही होना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।